हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वो कहते हैं ना, असम आए और कामाख्या मैया के दर पे ना आए तो असम आना व्यर्थ है। और हम तो खुद यहाँ गुवाहाटी में असम में इतने सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ पे आना तो बनता ही बनता है। और यहाँ पे मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपने फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के साथ माता के दर पे आई हूँ। तो अभी हम मॉर्निंग में 6 o'clock को हम लोग वहाँ से अपने घर से निकल के यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ 7 बजे करीब। अंदर से ही ऐसा लगता है माता रानी का टेम्पल। ये है कामाख्या मैया का गर्भगृह, जिसपे इस पे कलर भी नहीं करते हैं, ये ऐसा ही रहता है। फोटो शूट चल रहा है, ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ है। मैं साइड में हो गई थी, मैंने कहा आप खींच लो अच्छे से उनका फोटोज। और यहाँ पे मैं इतनी बार आ चुकी हूँ ना कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ आने के लिए हस्बैंड ने बोला तो मैं मना भी नहीं कर पाई। मतलब आके इतना अच्छा लगता है ना, मंदिरों में आके वैसे ही मन को शांति मिलती है, और यहाँ पे आके तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए 7 बजे आए हैं, लेकिन फिर भी कितनी भीड़ हो गई है। कहते हैं यहाँ 5 बजे से लाइन स्टार्ट हो जाती है, 3 बजे तो मंदिर खुल जाता है यहाँ पे, और 3 बजे से ही लाइन स्टार्ट हो जाती है। कोई 5 बजे 6 बजे हम लोग यहाँ 7 बजे करीब पहुँचे, इतने सारे कबूतर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। कुछ तो माता के मंदिर में भी बैठे हुए हैं छुप छुप के। और देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है इस पर। तो ये नीचे जो दिया है ना, इसकी परिक्रमा लगाने के लिए होता है, ये पूरे मंदिर का परिक्रमा लगा लो। यहाँ देखिए मैं व्यू ले रही थी, मंदिर व्यू भी देखने आ गया, और पति देव बोले फोटो शूट करते हैं, और हम चल दिए अब लाइन में लगने के लिए। पानी पीना है राजा? मैं दूध दूँ। लाइन लग रही है अब तो। आओ। मंजो भैया। बाबू गुस्सा है क्या? देखता नहीं है। भगवान जी बहुत भीड़ है रही है। लाइन लगी हुई थी तो हम लोग फोटो शूट करने लगे, खड़े खड़े बोर हो गए। यहाँ पे टिकट बिल्कुल फ्री है, जो कि टिकट भी कुछ अलग टाइप की है। ये रही मेरी टिकट जिसमें फोटो भी लगा हुआ है। टिकट लेके अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ वेटिंग रूम्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे चेयर्स भी हैं जिसमें हमें बैठने में आसानी हो रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि मतलब वेट कैसे करें, तो बैठे बैठे वेट करना है इधर। हमें यहाँ पे 5-6 घंटे हो गए बैठे बैठे।
और अब यहाँ लाइन में आ गए हैं। अब लाइन बढ़ गई है आगे। अब ये तो यहाँ पे चाय वाला आया था तो चाय ले लिए थे, कुछ कुकीज़ ले ली थी चाय के साथ खाने के लिए। तो 5-6 घंटा हो गए, कुछ नाश्ता भी नहीं करके आए थे, भूख भी लगने लग गई थी। और फिर मंतव्य के पापा कुछ बाहर से जाके, यहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं है तो बाहर से जाके ये कचौड़ी लेके आए थे, कुछ जलेबी लेके आए थे ऐसे। तो उनको खा के पेट में थोड़े चूहे शांत हो गए थे, तो भूख भी नहीं लग रही थी। फिर आराम से अब हम लोग लाइन में लग के दर्शन कर सकते थे। यहाँ देखे बैठे बैठे बाप बेटी की मस्ती चल रही है। लाइन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मंतव्य को देखो कहाँ खड़ा हो गया है। ये जो लाइन दिख रही है ना, जाली दिख रही है, यहाँ से पूरा लाइन लगा हुआ है। और ये देखिए, ये सौभाग्य कुंड है। सबसे पहले दर्शन करने से पहले यहाँ सौभाग्य कुंड में हाथ पैरों को धोकर, और यहीं पे गणेश जी की प्रतिमा है, तो गणेश जी से आशीर्वाद लेकर, परमिशन लेकर कामाख्या मैया के दर्शन करने आते। और अब लाइन में लग कर कम से कम 1-2 घंटा हम लोग लाइन में लगे रहे। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और फाइनली अब यहाँ आके हम लोग आ गए हैं। अब इससे आगे तो मैया का मंदिर ही स्टार्ट हो जाएगा इस लाइन को ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पे ये गेट है जिसे जब लाइन आगे बढ़ानी होती है तब इस गेटों को बंद कर देते हैं, और इसको फिर लाइन जब इसमें भर जाती है तो गेटों को खोल देते हैं। और जो लोग भक्त परिक्रमा करने होते हैं ना, तो वो उन गेटों के खोल के रखते हैं ताकि वो परिक्रमा कर सकें, और थोड़ी देर के लिए वो गेट को लगा देते हैं ताकि इसमें लाइन अंदर आगे आ जाए। इससे आगे मंदिर में प्रवेश करने पर कैमरा अलाउड नहीं है। और अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे हमें दीपक और अगरबत्ती जलाना है। तो दीपक अगरबत्ती जलाने के लिए यहीं पे सुविधा कर रखी है कि सब लोग बाहर आके यहाँ पे सब अपना दीपक जलाएं। यहाँ पे मैं और मम्मी अपना 2 दीपक लाए थे, तो दोनों अपना अलग अलग दीपक जलाएंगे। और अब हम नारियल को फोड़ के यहाँ पे माता रानी को चढ़ा के फिर इसको प्रसाद के रूप में, सब मंतव्य के ऊपर छींटा मार दो, सबके ऊपर रख लो, प्रसाद में रखो इसको। दर्शन तो हो गए और पेट में भूख लग रही थी। सुबह 7 बजे के गए थे, कुछ नाश्ता भी नहीं करके गए, सिर्फ चाय पी के चले गए थे। और दर्शन करके आने के बाद फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। फिर यहाँ पे आने के बाद अब भूख लग रही है तो बर्गर का सेवन किया जा रहा है। बर्गर मंगा लिए थे, मम्मी पापा को भी खिलाया, सब ने खाया बर्गर। फिर घर पे जाके डायरेक्ट खाने की भूख न लगेगी। लाइन में वेट करते करते जो पिक्स क्लिक किए थे